नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं किसान तक और मैं हूं आपका दोस्त अंकित शर्मा। मेरे पीछे आप ये देख रहे हैं कि यहां पर खेत तैयार हो रहा है और इस पे पूरी प्लास्टिक की शीट लगी है। हम जब रोड से गुजर रहे थे तो हमारे मन में इच्छा हुई कि क्यों ना हम दर्शकों को अपने दिखाएं कि इस खेतों में हो क्या रहा है। तो हमारे साथ मौजूद है इस खेत पर काम कर रहे अकबर जी। अकबर जी बता रहे थे कि लगभग 40 वर्षों से आप खेती कर रहे हैं। हाँ जी, हमारे 200 साल हो गए सब्जी का काम, तो 200 साल हो गए सर। 200 साल हो गए। तो ये जो क्या तकनीक है, ये प्लास्टिक सीट क्यों लगा रखी है और इसमें क्या फसल तैयार लगा रखी है? एक तो सर्दी से बचाएगा ये, एक जो बारिश होएगी इसके ऊपर उसे बचाएगा। क्या फसल है इसके अंदर? खीरा। खीरा, हाँ। तो पहले कैसे खेती करते थे, जैसे अगर खेती किसानी करते थे, खीरे की फसल करते थे? हाँ हाँ। तो पहले कैसे करते? पहले करते थे बिना पिंडी के करते थे। अच्छा, बरसात वाली। लेकिन अब ये सर्दियों में भी आप फसल लेने लगे इस तकनीक की मदद से। हाँ जी। और क्या क्या फायदे हैं इस तकनीक के? इसके बहुत फायदे हैं जी। एक तो ये फसल बहुत जल्दी देता है ये जी, महंगाई में आएगी। हाँ। जो भी इसमें फसल लगी महंगाई में आएगी। अच्छा। और जैसे कि ओले कंकर ये पड़ती है उससे बचेगा ये। अच्छा। जैसे कि आप ये कहिए कि जब मौसम नहीं होता, बेमौसम भी अगर आप खीरा कर सकते हैं इस तकनीक की मदद से। हाँ जी। और जब ये मार्केट में जाएगा तो उसके पैसे भी आपको ज्यादा मिलेंगे। ज्यादा मिलेंगे। तो आपने बताया कि आप पहले मोटी फसल भी आपकी होती है, इसके अलावा आप सब्जियां भी करते हैं। और अगर खीरे की खेती, जैसा कि आपको अनुभव है, तो किस किस तरीके की, आइए बात करते हैं, किस किस तरीके की बीमारी इस फसल में लगती है? अच्छा। हाँ। और एक सब्जी तो लग जाती है इसमें, कीमत वगैरह। तो उसका बचाव कैसे करते हैं? अच्छा, जब हम खेत तैयार करते हैं, सपोज की ये खेत तैयार है अभी इस समय हमारा, तो इसी के अंदर आपने दवाई मिक्स कर दी या बीज को बीज के अंदर लगाते हो? दवाई इसके अंदर मिक्स के अंदर। और जब ये पौधा इतना बड़ा हो जाएगा जी, एक बीड़ा हल्की दवाई इसमें जब लगे, बहुत हल्की। और खाद की बात करें तो इसमें खाद किस तरीके का लगाया? डीएपी, यूरिया या देसी खाद लगाया? क्या लगाया? यूरिया लगाया, डीएपी लगाई है और देसी खाद लगाया। अच्छा। और ये खेत तैयार करने की बात करें तो किस महीने में खेत तैयार होता है, लगभग कितना समय लगता है इसको तैयार होने में? इसके तैयार होने में लगता है करीबन 2 महीने लगते हैं, 60 दिन। 2 महीने। और ये मशीन से, मैं देख रहा हूँ यहाँ मशीन से काम नहीं हो रहा, यहाँ पर कुछ आपके बेटे ही हैं, ये हाथ से तैयार कर रहे हैं? हाँ जी, हाथ से तैयार करते हैं, मशीन से तैयार नहीं होता है। अच्छा, एक चीज बड़ी आप अच्छी बता रहे थे कि आप 200 वर्षों से आपके मतलब खानदानी आप खेती करते आए, और आपने कहा कि आप अपने बच्चों को भी खेती कराएंगे। हाँ जी। लेकिन आजकल का जो किसान है, जो छोटा किसान है, तो उसके सामने बड़ी समस्या है, उसकी फसल का रेट नहीं मिल पाता। हाँ, जैसे मोटी फसल करता है तो अपने बच्चों को किसान नहीं बनाना चाहता। हाँ, लेकिन आपकी सोच कैसे है? बस आपकी सर, हमारी वैल्यू, हमारे पास इतना पैसा नहीं, जो मैंने नौकरी लगाया सब्जी में, सेवा में लगे। तो आपको लगता है खेती किसानी भी अगर परिवार मिलकर करे तो वो घाटे का सौदा नहीं? घाटे का सौदा नहीं। लेकिन लोगों ने ये आजकल धारणा बना ली है कि जो खेती किसानी है बड़ा पिछड़ा हुआ काम है, उसमें पैसा नहीं, ऐसा है? ना ना, ऐसा कुछ नहीं। तो और क्या क्या समस्या आती है आपके सामने? पशुओं की समस्या भी आती है क्या? हाँ, पशुओं की भी आती है, या इसका रखवाल करनी पड़ती है, जब गाय हो रही है जाते हैं इनकी रखवाल करनी पड़ती है, एक रात में उजाड़ देते हैं। रात में अगर बात करें, जैसे फेंसिंग है तो सही है, लग रहा है कि टाइट फेंसिंग नहीं है, और ये प्लास्टिक शीट जो आपने लगा रखी है, तो क्या गाय भी इसमें आ जाती है? गाय बढ़ जाती है, रखवाल करते हैं रात में। भरी ठंड में जब हम लोग रजाई में और बिस्तर में सो रहे होते हैं, तो हमारे किसान जाकर अपने खेतों की रखवाली करते हैं। रखवाल करते हैं। तो एक तरीके से ये भी किसान किसानी भी कर रहा है और चौकीदारी भी कर रहा है। चौकीदारी। तो आप ये दिखाइए एक बार, किस तरीके से पूरा घर परिवार, जो संयुक्त परिवार पहले होते थे देश में, खासकर जो जड़ों से जुड़ के चलते थे, तो पूरा घर मिलके खेती किसानी करता था। समय होता था कि सुबह खाना आएगा किसान का, खेत पे खाना है। आप ये देख सकते हैं कि इस समय खाना भी आया हुआ था थोड़ी देर पहले, और घर की महिलाएं बच्चे सब खेतों में लगे हुए हैं, अपने हाथ से बीज लगा रहे हैं मेरे ख्याल से, वो ना अपना। और क्या क्या अनुभव है, जैसे कि आप खेती किसानी करते हैं, आपने सब ये फसल तैयार करी, और जब आप मार्केट में लेके जाते हैं, तो बाजार में मंडी में किस तरीके की समस्या आती है आपके सामने? मंडी बस बाजी में समस्या ये आती है कि जब मंदा हो जाता है, जैसे पिछले साल लॉकडाउन लगा 3 साल, तो कुछ नहीं मिला, सब घर से ही गया जी। सब घर से गया जी, लॉकडाउन में नहीं खरीद पाए, पब्लिक जो खरीदे थे उनको पूरे से लठ बजा रही थी। आपकी गांव का नाम क्या है? सुराना। सुराना जी। ये गांव लगता है सुराना, मुरादनगर के पास, गाजियाबाद के निकट। और आप ये देखिए कि पीछे इस पूरे क्षेत्र में जगह जगह मोटी फसल भी है, सरसों भी हो रही है, सरसों लहलहा रही है, गन्ना भी हो रहा है, और यहाँ पर किसान सब्जियां भी खूब कर रहे हैं। तो हम भी अपने देशी किसान भाइयों से यही कहेंगे, किसान तक के चैनल के माध्यम से, कि आप जो भी खेती करें पूरे परिवार के साथ मिलकर करें,
नई तकनीक की मदद से करें, जैसे कि इन्होंने बताया कि बरसात के मौसम के अलावा आप ऐसे भी खीरा ले सकते हैं, सर्दियों के मौसम में आप लगाएंगे। खीरा नहीं है और बहुत सब्जियां, घिया है, सीताफल है। अच्छा, मिक्स है, बेल वाली सारी फसलें इसके अंदर है। करेला है, बहुत फसल है, तोरी है इसके अंदर, तोरी है। तो इस तरीके की फसल आप ले सकते हैं, सब्जी वाली फसल आप ले सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए किसान तक। धन्यवाद।